हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर जो मैथ का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका सलूशन करा दीजिए। तो इस वीडियो में जितना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पाँच नंबर की बात है भाई, पाँच नंबर की। एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो पाँच नंबर आपके खाते में सीधे जुड़ जाएगा। तो चार क्वेश्चन होता है लॉन्ग टाइप, तो चार वो कितना होगा, 20 नंबर की बात है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, यदि आप तो आपका 20 नंबर आपका ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका एग्ज़ाम हो गया है या एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है ना, तो अभी इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में दो वो पेपर हैं, SST का और मैथ का। तो एक पहले सुन लीजिए सभी लोग कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं अभी डाल दिया हूँ वीडियो, तो जा करके आप देख लीजिएगा वहाँ से। सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है, SST का जो आंसर होता है ना, काफ़ी थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। उसको अपने से मैं बनाया हूँ, खुद से आसान शब्दों में, सरल भाषा में बना करके मैं डाला हूँ। तो जा करके SST का जितना है वो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए भाई लोग, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लड़का बहुत घबरा गया है, आई क्वेश्चन कुछ है नहीं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए आप देख रहे होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसका जो लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप है ना, तो लघु उत्तरीय मैं सॉल्व करा दिया हूँ, उसका ही वीडियो डाल दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप जो इसका क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, इसमें 8 प्रश्न दिया गया, इसमें से किसी चार प्रश्नों को हल करना है। देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, कि इसको आलेख खींचना है, ठीक है, और आलेख से हल करना है, और समीकरण दिया है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए काफ़ी आसान है, यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया है, x प्लस वाई दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, ठीक, बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 9 दिया है, इतना दिया है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक है। और ऐसा आपको बक्स बनाना है, ऐसा आपको बक्स बनाना है, ठीक है, ऐसा आपको बक्स बनाना है, ठीक है। और इस बक्स में दो लाइन खींचना है, दो लाइन ऐसा ऐसा, ठीक है। और इधर से भी दो लाइन, इधर से भी दो लाइन खींच दो, इतना कर लोगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या भरना है, इसे भरना है x, इसे भरना है x, ऐसे y, ऐसे भरना x का y, ठीक है। ये जो है लॉन्ग टाइप का पहला सवाल है। अब करना क्या है, समीकरण एक में देखना है, पहले वाले में भरना है जीरो, क्या भरना है इसमें, पहले x का मान भरना है जीरो, तो इसमें जब जीरो भरोगे ना तो ये ढक जाएगा, तो क्या बच गया, y बराबर 7, तो y वाला खामा में क्या भरेंगे, 7 भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब y वाला खामा में अपने मन से भरेंगे जीरो, तो y वाला ढक जाएगा, जिसको जीरो करेंगे वो ढक जाएगा, तो y वाला ढक गया तो क्या बच गया, x बच गया, 7 बच गया, इसका मतलब कि x के सामने वाले में क्या भरना है, 7 भरना है, तो x के सामने में क्या भरेंगे, 7 भरेंगे, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो बिंदु निकाल लेंगे, कितना निकलिया, तो x का मा वाई है, तो पहले जीरो का मा कितना होगा, 7 हो जाएगा, इसका बिंदु, इसका 7 का मा का होगा, 0 हो जाएगा, इतना कर लोगे। अब फिर देखो इसके लिए भी ऐसा ही करना है, इसके लिए भी हमको ऐसा ही करना है, सेम चीज़ ऐसा हम लोग को कर लेना है, ठीक है जी, ऐसा कर लेना है। और इस तरह करके मतलब कि आयत खाली बना लेना है, इधर से दो लाइन करना है और इधर से दो लाइन कर देना है, इतना आप लोग कर लोगे। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ का भरेंगे एक्स वाई और एक्स का मा वाई, और एक बार हम लोग एक्स को जीरो करेंगे, तो x बार किसको करेंगे, x के सामने खामा में जीरो, जिसको जीरो करेंगे वो सारे हट जाएगा, तो जीरो किसको किए हैं, x को ना, तो x वाला सभी हट गया है, सभी हट गया है, तो का हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है माइनस 3y बराबर 9, तो इसमें से y का मान निकाल सकते हैं, 3 3 का 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3, यानी x जब जीरो हुआ तो y कितना निकला, माइनस 3, तो y का जो है कितना भराएगा यहाँ पर इस खामा में, माइनस 3। तो एक बार किसको जीरो किया है, x का, अब किसे जीरो करेंगे, वाई का, तो वाई को वाई वाला खामा में अब यहाँ भर देंगे जीरो हम लोग, तो वाई वाला सब ढक जाएगा, जिसको जीरो करेंगे ढक जाएगा, तो क्या बच गया हमको, क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है 2x बराबर 9, 2x बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 2x बराबर 9, x का मान निकाल लेंगे, 9/2 होगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा,
यानी x के जगह कितना भरेंगे अब 4.5 भरेंगे। इतना आप लोग कर लेंगे काफ़ी आसान। इतना करने के बाद अब समझिए कि आपका ग्राफ हो गया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 0 का माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 का मा 0 हो जाएगा। अब ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है किस तरह करना। देखिए पहले ऐसा ग्राफ क्या करना है आप लोग को, ऐसे खींच देना है, ठीक है जी, ऐसा आप लोग को खींच लेना है और इधर से ऐसा कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें बड़ा अंक कौन है, जो बिंदु निकला है ये वाला, जो ये वाला खामा वाला, इसका बड़ा अंक कौन है, बड़ा अंक 7 है। तो 7 तक इस पर काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये कट गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग बना लिए होंगे फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ इसमें आपको एक बार का होगा और रिविजन हो जाएगा। इधर भी आपका -1, -2, -3, -4 इधर काम में नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है, हो गया। फिर इधर भी क्या होगा आपका -1, -2, -3, -4 इधर काम नहीं पड़ेगा। ये आपका होता है वाई डैश, क्या होता है वाई डैश, ये आपका होता है एक्स डैश, ये होता है आपका एक्स, ये होता है वाई। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए अब यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है बताओ। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो बिंदु कितना निकला है 0.7, यानी कोई बिंदु लिखते हैं तो पहले लिखते हैं एक्स का मान, तब लिखते हैं वाई का मान। तो इसमें देखो इस खामा ऐसा देखो, ऐसा सीधा देखो, ऐसा ऐसा एक्स 0 है तो वाई कितना है 7 है, एक्स 0 है तो वाई 7 है। तो एक्स पर हमको नहीं खींचना है, 0 पर नहीं खींचना होता है, 0 छोड़ जो छोड़ करके जो भी आएगा उस पर खींचना होता है। तो y के सामने कितना है 7 है, तो हम लोग y पर जो आप देखेंगे y नहीं है, ये y डैश है, ये y पर 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर खींचेंगे बिंदु ऐसा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन 0 है इस लाइन में, ऐसा देखेंगे y 0 हो गया है तो कौन है यहाँ पर 7 x का है ना, तो ये y 0 हो गया, तो जिस पर 0 हो गया उसको छोड़ देंगे। किस पर अंक हुआ है इस तरह देखेंगे इस तरह, तो 7 है किसका मान x का, तो x पर 7 कर लेंगे ऐसा। चाहे ऐसा भी कर सकते हो 0.7 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 7.0 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे ऐसा करके, हो गया, ठीक। अब इधर देखेंगे 0.-3 यानी x 0 है, y कितना है -3 है, तो y पर -3 यहाँ पर आएगा, ठीक। और 4.5 मतलब कि 4.5 4 और 5 के बीच में कहाँ यहाँ पर आएगा, इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे, ठीक है, दोनों बिंदु को मिलाएंगे और जहाँ कटेगा वहीं का हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग काट दिए, तो कहाँ कटा ही देखो, इसका निर्देशांक लिख दो 7.0, इसका निर्देशांक कितना था बताओ, इसका निर्देशांक 0.7, इसका 0.-3, ठीक है। इसका कितना था, इसका था आपका 4.5.0। अब कहाँ कटा है देखो, तो कहाँ कटा है, यहाँ पर कटा है ना, जहाँ पर कटा है वहीं का होगा आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा देख लो, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 6.1, देख रहे हो, तो इसमें 6x का मान कितना हो गया 6 और y का मान कितना हो गया 1, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सवाल था ये, ठीक है। चलिए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपका दूसरा सवाल देखिए, अब मैं दूसरा आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दूसरा सवाल, ठीक है, कि इसमें बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है, तो वो हमको भिन्न ज्ञात कर देना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन से लड़का डर जाता है, और यही क्वेश्चन क्या है काफ़ी आसान है। कैसे करेंगे देखिए, कुछ नहीं करेंगे, भिन्न मतलब क्या होता है, बाटा वाला संख्या, अंश और हर, तो हम लोग एक भिन्न मान लेंगे, क्या मान लेंगे भिन्न, क्या मान लेंगे माना कि भिन्न, भिन्न क्या है x बटा y है। बोल रहा है कि अंश और हर में क्या जोड़ दे, हम 2 जोड़ दे भाई, 2 जोड़ दो, तो अंश कितना है x है, हर कितना है y है। तो प्रश्न क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दो, तो भिन्न क्या बन जाएगी, ये भिन्न हो जाएगी 9/11। अब इसको सॉल्व कर लो, गुणा करो, तिरछा 11 × 11 x और 11 × 22 है, 9 × 9 y और 9 × 18, इससे एक बनेगा समीकरण, क्या बन जाएगा 11 x 9 y, को इधर लेके आओगे तो 9 y बराबर 18 - 22,
तो 11 x माइनस 9 वाई बराबर कितना होगा माइनस 4, इसको मान लो समीकरण एक। ठीक है, अब फिर बोल रहा है, पुनः बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, तीन जोड़ दें। पुनः फिर बोल रहा है अंश और हर, अंश बटा हर यही ना है, एक्स वाई भिन्न है, ऊपर भी तीन जोड़ दें नीचे भी तीन जोड़ दें तो क्या हो जाता है, ये भिन्न क्या बन जाता है, पाँच बटा छः बन जाता है। तो फिर गुणा करेंगे तो कितना होगा, छः एक्स प्लस 18 बराबर 5 वाई प्लस 15, तभी क्या बन जाएगा, छः एक्स माइनस 5 वाई और इस 15 में से 18 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। वीडियो में आया है कि नहीं आया है थोड़ा देख ले हम, आया है ठीक है। तो समीकरण एक और समीकरण दो मिल गया और दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे विलोपन विधि से, तो x और y का मान निकल जाएगा और दोनों का मान यहाँ भर देंगे। चलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पता है कि उल्टा गुणा किया जाता है, यानी इस इधर 6 है, 6 से गुणा करेंगे समीकरण एक में और समीकरण दो में गुणा करेंगे किससे, 11 से कर देंगे, 11 से, 11 नहीं है समीकरण दो है ये, ठीक है। उल्टा गुणा होता है, इसमें किससे करेंगे, इसके आगे वाला से, 6 से, पूरा सवाल में किससे, 6 से, और समीकरण दो में किससे गुणा करेंगे, इसके आगे वाले किससे, 11 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 6 से इसमें करेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 x हो जाएगा, और फिर 6 से करेंगे 9 छः के 54 हो जाएगा, 54 वाई बराबर माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक, इससे गुणा करेंगे कितना होगा, 66 x हो जाएगा और माइनस 55 वाई बराबर माइनस 33, माइनस का 33। अब दोनों को घटाएंगे, घटाव करेंगे तो ही प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कट जाएगा, और 54 वाई माइनस में है प्लस 55 वाई है तो एक वाई बचेगा यहाँ पे प्लस में, और माइनस 24 है और प्लस 33 है, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33 में से अगर 24 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, क्या बचेगा आपका, 9। तो भिन्न क्या हो गया आपका, वाई कितना हो गया, 9 हो गया। ये वाई के मान कहाँ भर देंगे हम लोग, वाई के मान भर देंगे कहाँ पे, समीकरण एक में देखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, यहाँ भर देना y का मान रखने पर, समीकरण एक कितना है देख लो, 11x माइनस 9 और y के मान कितना भरना है, 9 भरना है बराबर माइनस का 4, 11x कितना होगा, ये 9 81 होगा और बराबर में कितना है, माइनस 4 है, तो इधर होगा 81 नेगेटिव में और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में प्लस 81 हो जाएगा। तो अब 11x अब इससे घटाएंगे 81 में से तो कितना होगा, 77 आएगा, 11 से काट देंगे कितना होगा, 11 7 77, यानी x के मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमें x निकल गया, y निकल गया, यानी x को हम लोग अंश माने थे और हर को y माने थे, तो हम लोग का जो भिन्न होगा वो क्या होगा, x बटा वाई, यानी क्या हो गया, 7 बटा x के मान 7, y के मान कितना, 9, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, यानी अब तुम 7/9 में ना अगर तुम 2 जोड़ते हो तो ये 9/11 हो जाएगा। देख लो 7/2 है ना, तो वही ना बोल रहा था क्वेश्चन कि अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9/11, तो इसमें 2 जोड़ते हैं 7/9 है ना, ऊपर भी 2 जोड़ेंगे नीचे भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9/11 हो जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं, अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो देखो अगर 3 जोड़ते हैं 3 तो कितना हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा 10, नीचे का हो जाएगा 12, ऐसे काटेंगे 2 5 10 और 2 6 12 कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो वही क्वेश्चन बोल रहा था कि ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए, ऐसा भिन्न हमको बता दीजिए जिसमें अगर हम 2 जोड़ दें अंश और हर में तो वो 9/11 बन जाता है, अगर 3 जोड़ दे तो वो 5/6 बन जाता है, तो वो भिन्न कौन है, 7/9 ही भिन्न है, यही हम लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं भी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का एक मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का मैं बना दिया हूँ और 4 ही क्वेश्चन को हल करना है, 2 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए और आपका 2 क्वेश्चन करना है, हालांकि मैं आपको और 3 कराऊंगा। ठीक है, देखिए सुनिए, तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, बोल रहा है कॉसेक ए, काफी आसान सवाल है, कॉसेक ए बटा कॉसेक ए माइनस का 1 और प्लस कॉसेक ए बटा का कॉसेक ए प्लस का 1 प्लस का 1, और सिद्ध कर देना है किसका, बराबर 2 sec² a के बराबर कर देना है।
अब देखो बाबू, इसमें आप लोगों को सिद्ध करने के लिए आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमको बताओ इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम तो इसका इसका एलसीएम क्या होगा, सेम चीज होगा कॉसेक ए माइनस वन इन टू और कॉसेक कॉसेक ए प्लस का वन। यदि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मोबाइल को ऐसा कीजिए आप लोग, ऐसा ऐसा प्लॉट दीजिए ऐसा, तब आपको अच्छा से दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो बाबू क्या करेंगे, अब इसका गुणा कर लेंगे इससे और इससे गुणा करेंगे इसका, तिरछा गुणा करेंगे। देखो कॉसेक से कॉसेक में पहले गुणा होगा और तब कॉसेक से सेक में एक में गुणा होगा, तो कॉसेक में कॉसेक से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर कॉसेक में किससे गुणा करेंगे एक से, तो क्या होगा कॉसेक ए। अच्छा तुम कहाँ से बना रहे हो, एल एच एस से, एल एच एस से, और वो लेके आना है, ठीक। अब इधर गुणा करना है तो फिर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर, और फिर कॉसेक से गुणा करेंगे माइनस वन में, तो माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए, इतना कर लोगे। अब देखो प्लस कॉसेक से प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक कट जाएगा, दोनों ये दोनों कट जाएंगे। अब याद करो तो लोग ऊपर का हो गया कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और बाटा। अब देखो नीचे क्या है, आप लोग पढ़े हो कि ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कॉसेक ए माइनस कॉसेक कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन, तो ये पूरा इस ये क्या हो गया आपका फार्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक का स्क्वायर तो एक ही ना होता है, ठीक है। ये फार्मूला यूज किए हैं हम, कौन फार्मूला यूज किए हैं आपका ए माइनस बी, और ये आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये अठारह का सवाल है, ठीक है। जब ये आपको जब ये फार्मूला नहीं मालूम है ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आप कुछ नहीं है, ठीक है, हालांकि आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद टू कॉसेक स्क्वायर इधर करते हैं, टू कॉसेक स्क्वायर ए, बाबू देख लो आराम से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर याद करो फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, तो जहाँ पर ई दिखाई देगा वहाँ पर उभर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब फिर इस कॉट को फिर चेंज कर लेंगे हम, क्योंकि हमको सेक में लेके आना है, तो अब क्या कर लेंगे देखो ध्यान से, अब कर क्या रहे हैं इधर करते हैं, इधर करते हैं देखो, ठीक है, टू कॉसेक स्क्वायर, टू कॉसेक स्क्वायर ए, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट होता है साइन बटा सॉरी कॉट होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉट को टूट सकते हैं कॉस थीटा कॉस ए बटा साइन ए, और इस पर चूंकि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये जो होगा ना, ये जो सेक जो है ना, साइन है ना, वो साइन का होगा, कर देगा आप देखो टू टू का हो जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर ए, अब इसको गुणा में करेंगे, इसको गुणा में करेंगे तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो अभी दोनों के मान क्या होगा एक होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होगा एक होता है, आप ऐसा ही काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपका। जब ये क्या होगा ये दोनों का हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा दो, ऊपर बचेगा दो, नीचे का बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए बचेगा, स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि देखो क्यों काटा है, तो जो ये जो है ना ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, और कॉसिक ए इंटू साइन ए एक होता है, तो हम लोग इसे काट भी सकते हैं, तो भाई क्या लिख दिए भाई, कॉस बचा है ना, कॉस स्क्वायर ए बचा है। अब ये हम तुम पढ़े हो कि वन बटा कॉस स्क्वायर ए है, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो ऊपर इसे करेंगे तो क्या होगा टू, ये जो कॉस है जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी आपका क्या आ गया ये आपका आर एच एस आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये फिर अगले क्लास में हम समझा देंगे अच्छे से, हम शॉर्टकट मार दिए हैं इसलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम देने कल जाना है परसों जाना है, तो आप लोग को ये हमको पूरा डीपली बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है, समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सवाल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आपका तीन को सॉल्व हो गया, आगे क्वेश्चन देखिए आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस है क्वेश्चन है, जो बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान सवाल है ये,
सब आसान सवाल है। बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खटी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री पहले था और घटकर 30 डिग्री हो गया, बस उसका दूरी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दूरी बढ़ गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए ये 35 नंबर है। ये बोल रहा है मैं दीर्घ उत्तर देगा 35 नंबर है, ठीक है, कि एक मीनार है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये मीनार है, ठीक है, मीनार की लंबाई ए से बी है, तो इसका इधर सूर्य भगवान है, मान सूर्य भगवान, तो प्रकाश इधर आएगा तो इसका छाया बनेगा, तो छाया के मान लीजिए लंबाई कितना है, ये बी से सी का है, छाया की लंबाई है, और ए से बी क्या है, मीनार, मीनार है, ठीक है, ए से बी क्या है, मीनार। अब बोल रहा है कि उसकी छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 30 मीटर का होता है अधिक लंबी, जब यहाँ से सूर्य प्रकाश आएगा तो ऐसा आएगा ना ऐसा, तो अभी कोण कितना है, अभी कोण यहाँ पर बोल रहा है कि 60 डिग्री कोण है, ठीक। अब क्या हो रहा है ना कि अधिक लंबा हो जाती है जब सूर्य का कोण कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है, यानी अब इसका अभी झुक जाता है ऐसा करके, तो अभी 30 मीटर अधिक बढ़ गया इधर से, तो मान लो कि सी पर था, आ कहाँ गया, ई डी पर गया, बढ़ा हुआ लंबाई, तो ये जो लंबाई बढ़ा है कितना बढ़ा है, ये 30 मीटर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 30 मीटर, और इसका जो यहाँ से कोण बनेगा है, जो कोण बना है, ये क्या डिग्री है बताओ, ये 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आप देखो जो दिया है, जो ज्ञात करना है, जो दिया है, तो जो ज्ञात करना है वो लंब है, और जो दिया है वो आधार है, तो लंब बटा आधार 10 होता है। तो हम दो गो त्रिभुज देखेंगे, एगो त्रिभुज ए बी सी, एगो ए बी डी, तो त्रिभुज किससे, त्रिभुज ए बी सी से पहले चलेंगे, ए बी सी से, ठीक। देखो क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, कितना डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, लंब बटा आधार, तो लंब कौन है आपका, ए बी है, ए से बी, आधार कौन है, तो बी सी है, ठीक है, और 10 60 का मान होता है √3, ए बी बटा का हो गया आपका बी सी। इसमें से क्या निकालना हमको, देख लो हमें निकालना कि हमको लंबाई निकालना है, क्या निकालना है हमको, लंबाई ए बी, तो ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बराबर गुणा करेंगे, थ्री से गुणा करेंगे, ए बी, ए बी में गुणा करेंगे एक से ए बी, और √3 आई इन टू बी सी हो जाएगा, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आप चलेंगे किससे, त्रिभुज किससे, त्रिभुज किससे, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, चाहे मैं चाहे कुछ भी लिख सकते हो, तो अब ए बी डी, तो इसको भूल जाओ आप, ए बी डी में क्या है बताओ, ए बी डी, डी पकड़ का बंधा 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका लंब क्या होगा, ए बी होगा, इसका आधार कितना होगा, बी से डी होगा, बी से डी होगा, बी से डी होगा, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर, ए बी ऊपर हो गया और बाकी देखो नीचे क्या है, बी से डी दिया है, तो B से D दिया है, तो B से D में दो को भाग है, एगो B से C है, एगो B C से D है, तो C से D की लंबाई हमको मालूम है 30 मीटर, और B से C का लंबाई नहीं मालूम है, तो हम लोग ये B से D को तोड़ सकते हैं दो भाग में, और किस में, एगो B से C में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर C से D तक की दूरी कितना है, 30 मीटर, इसमें हम 30 जोड़ सकते हैं। तो बात तो है कि ये है, हमको नीचे लिखा था कौन चीज, बी डी, तो बी से डी तक लिखा था ना, तो ई बतिया और ई बतिया दोनों जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो ई कितना आया है, बी सी आया है, और ई कितना आया है, सी डी का मान दिया है 30, तो यहाँ भर दिए हैं, ठीक। अब गुणा कर लेंगे हमको, चूंकि क्या चाहिए हमको, ए बी चाहिए, तो गुणा करेंगे और ए बी निकालेंगे, देखिए किस तरह निकालेंगे, तो गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 ए बी बराबर गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, बी सी प्लस 30 मीटर, मीटर में है। अब ए बी का मान निकाल लेंगे, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी प्लस 30 और बाटा का होगा, ये रूट जो यहाँ का है यहाँ पर आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण दो, और समीकरण एक और समीकरण दो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों के दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष ही बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण, समीकरण एक और दो, और दो को तुलना करने पर, दो को तुलना करने पर जब इधर वाला बराबर होगा ना, तो इधर वाला ढक जाएगा ही, और जो बचेगा वो बराबर हो जाएगा, जब एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस वी का होगा बराबर होगा, तो हाई अब जो बराबर है वो हट जाएगा, अब कौन बच गया बताओ, √3 बी सी, और इसमें क्या बच गया, बी सी प्लस 30 बटा √3, अब गुणा कर देंगे √3 से √3 गुणा करेंगे कितना होगा,
रूट थ्री में रूट थ्री से गुणा करेंगे रूट नौ होगा, और रूट नौ का वर्गमूल कितना होता है तीन, तो तीन बी सी हो जाएगा, तीन बी सी बराबर बी सी प्लस तीस। अब इस बी सी को इधर करेंगे, थ्री बी सी माइनस बी सी बराबर तीस मीटर है, ये मीटर में है ये, ठीक है मीटर में है। तो अब क्या होगा, घटाएंगे तीन को बी सी में से, अगर एक को बी सी घटाएंगे तो दो को बी सी बच जाएगा, दो को बी सी बराबर तीस मीटर, तीस मीटर। अब टू से काट देंगे कितना आएगा पंद्रह मीटर, यानी बी सी की लंबाई कितना हो गया पंद्रह मीटर हो गया। अब हमें बी सी की तो लंबाई नहीं चाहिए, हमको मीनर की लंबाई चाहिए, और मीनर की लंबाई कितना है ए से बी, और ए से बी देखो मान निकल रहे हैं, यहाँ भर दो चाहे यहाँ भर दो कहीं भर दो, तो हम लोग यहीं भर देते हैं। देखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर आप लोग यहाँ लिख लेना, ठीक है। तो ए बी है, ए से बी है बराबर रूट थ्री है, रूट थ्री है, उसके बाद बी सी है, तो बी सी का मान कितना है पंद्रह, तो यहाँ जब पंद्रह भरेंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह गुणे रूट थ्री यानी पंद्रह रूट थ्री मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा पंद्रह रूट थ्री मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। आगे देखिए आपका आगे क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि त्रिज्या वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा जाएंगे, कोई कुछ सब क्वेश्चन आपके आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इसमें भारी नहीं है, इस सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन देखिए अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और आपको क्या है, आपको एग्जाम देना है, अगर मैं इस वीडियो को इस सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर अपलोड करूंगा तो हमको लग जाएगा डेढ़ घंटा अपलोड करने में, इसलिए ये क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहा हूँ। जितना आपको ज़रूरत था चार गो आपको बनाना है, चार गो आपको मैं हल कर दे रहा हूँ, चार गो आप लोग बना लीजिएगा और उसे एथी कर लीजिएगा, और जो बाकी के क्वेश्चन है उसका मैं फिर वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि जो बच गया है क्वेश्चन उसका भी सॉल्व कराइए, तो वो भी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, रुकिए अभी कहीं जाइए मत, आपसे एक बात पूछना है, हमसे बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कुछ भी भाई आप आकर देखते हो वीडियो तो कमेंट करोगे तो थोड़ा हम लोग को हौसला बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, तो और भी अच्छा से मेहनत करेंगे, और भी आपको अच्छा से हेल्प करेंगे, हम फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट करो, बहुत कमेंट नहीं आता है, व्यू जाता है कमेंट नहीं आता है, तो आप लोगों से विनती ये है कि आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करके सपोर्ट करने का काम कीजिए, हम लोग हमको और हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इसका जितने भी हम पढ़ाए हैं ऐसा ही आप लोगों का फाइनल एग्जाम में आपको मैं हेल्प करूंगा, जो कि आपके सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जाकर लड़ जाएंगे। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, व्हाट्सअप ग्रुप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, उससे मैं पीडीएफ सेंड करता रहता हूं, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे देंगे, मैं नीचे दे दूंगा, जा करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।